नो फिफ्थ स्टैंडर्ड. फॉर अवर एनवायरमेंट सब्जेक्ट वी आर वर्किंग ऑन लेसन नंबर 3 एंड टुडेज वीडियो विल बी माय थर्ड वीडियो रिलेटेड टू लेसन नंबर 3. वी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो अबाउट च्यूइंग फूड प्रॉपरली सो दैट इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी सॉफ्ट फॉर्म सो दैट इट शुड गो डायरेक्टली इन अवर स्टमक ईजीली एंड देन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक राइट. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 2727. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ और स्वेलो इट. इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू योर बॉडी. शेयर द पिक्चर विद योर फ्रेंड. Do all of you have similar pictures? See, here one picture is given, that is from your mouth, in what way your food enters in stomach, you have to draw a whole path of that. Okay? Now, discuss. Here further we have few more questions. Serial wise, which number you wrote for your last question? Next to that you have to write numbers for this. How do you feel when you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. See, hota hai na, main bahut bhook lagi hai, ye kha jaunga, wo kha jaunga. Like expression hote hai, I am feeling so hungry that I will eat elephant also. Matlab jo samne aaye bas main kha jaunga. ओके सो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप हंग्री होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो. ओके ऑन योर ओन सिंपली यू कैन डू डिस्कशन ऑफ दीज आंसर्स अलोंग विद योर पेरेंट्स आल्सो. ओके सेकंड क्वेश्चन हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. सी जब भी हमें भूख लगती है ना वी डोंट फील एनीथिंग इंटरेस्टेड. हमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगता. आइदर यू टॉक अबाउट इफ वी आर डूइंग स्टडीज इफ वी आर वॉचिंग टीवी और कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती अगर हमें भूख लगी हो तो. यस और हम लेजी अपने आप को फील करेंगे बिकॉज हंग्री होना मतलब कहीं ना कहीं हमारे में एनर्जी कम हो जाती है. तो एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है अगर हम फूड टाइम टू टाइम खाते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप क्लास में बैठते हो फॉर 2 lectures, 3 lectures टुगेदर एंड आफ्टर दैट यू फील सो लेजी बट वंस रिसेस अकर्स एंड वंस यू कंप्लीट योर टिफिन यू बिकम एनर्जेटिक राइट. आप में फिर से वो एनर्जी आ जाती है जिससे आप दोबारा अपना काम रेगुलर शुरू कर सको. यस सो जब हंग्री होते हैं वी कैन टेल not feeling anything interested and not even and feeling very lazy right. Next is think what would happen if you do not eat anything for 2 days. Imagine कीजिए अगर 2 days तक आप कुछ भी ना खाओ तो. Okay it's very difficult बहुत difficult होगा right. Would you be able to manage without drinking water for 2 days. Where do you think the water that we drink goes? क्या आपको आप 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं. क्या लगता है आपको जब आप पानी पीते हो तो वो पानी कहाँ जाता है. Obviously it also goes in our complete body only because almost 70% हमारी जो body है वो पानी के साथ बनी हुई है. Understood? So पानी is water is very essential. Okay? Then next, Neetu was given a glucose drip. Now here is a picture that is Neetu को glucose drip दिए जा रहे हैं. Why दिए जा रहे हैं? Let us see. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. सी शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में शुगर कम हो तब भी लेजी हो जाते हैं.
ओके, तो घरेलू उपचार कर ले घर पे, पहले घर पे ट्राई करना ठीक होने के लिए, लेकिन फिर भी अगर ठीक नहीं होते देन वी गो टू डॉक्टर, राइट। तो उसी तरह से नीतू के फादर ने पहले घर पे ही ट्रिक्स यूज़ किए, बट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टिल इवनिंग, सो ही टुक हर टू डॉक्टर। When she goes up to the doctor, she fainted. जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंची वो बेहोश हो चुकी थी। Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needed to given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was this glucose drip? Dr. Aunty explained, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. So glucose kya kaam karega? बिना खाए भी आपके फूड आपके स्टमक को अच्छा करेगा और आपकी बॉडी को ठीक एनर्जेटिक करेगा। ओके, नाउ ग्लूकोज ड्रिप उसको देने की बात की तो शी बिकेम कंफ्यूज, क्योंकि स्कूल में तो कई बार अगर हम लेजी फील होते हैं तो वी गेट ग्लास ऑफ वाटर इन विच ग्लूकोज इज एडेड। ओके, सो दैट ग्लूकोज वी ड्रिंक एंड नाउ दिस इज ग्लूकोज ड्रिप, सो वट इज़ द चेंज इन दिस। सो ग्लूकोज जो हम पीते हैं वो भी हमें एनर्जी देता है, बट दैट इज़ अगर हम बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं एंड हम अगर कुछ भी खाएं तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वी गो ऑन वॉमिट एंड ऑल, देन डॉक्टर एडवाइज अस टू गेट एडमिटेड एंड टू टेक ग्लूकोज ड्रिप सो दैट हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिले। नाउ थिंक, Do you remember in class 6 you have made a in class 4 you have made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomit and loose motions? See, agar sugar and salt, these things are also playing very good role in our body. Okay, sugar should not be less in amount and it should not be more in amount. Same thing with salt also. Eating more and more salt by putting from up, that is kai baar hota na sabzi ban jati hai usme agar salt kam lage to upar se dal kar khana, is very bad for health. It become one reason with that increase blood pressure in our body. Okay, lekin jab hamari body bahut weak ho jati hai, we used to take lemon juice by added with sugar and salt so that we should get still little more energy in our body, right? Have you heard about the word glucose or seen it written anywhere? Where glucose, glucon d वगैरह तो सभी ने कंज्यूम किया होगा, right? So लेकिन अगर glucose drip की बात करें, you might have visited to hospitals to some patient, तो patient के usually वो glucose लगा हुआ होता है। ओके, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड। ग्लूकोज दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट ग्लूकोज विच वी एड इन वाटर एंड ड्रिंक, तो इट टेस्ट लाइक वेरी स्वीट पाउडर, राइट? हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या कभी आपके फैमिली में से या क्या कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे और आपको ग्लूकोज चढ़ाया गया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यू कैन डू डिस्कशन अलोंग विद योर पेरेंट्स अबाउट दिस। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल, क्योंकि ग्लूकोज जब ड्रिंक करते हैं तो वो हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है, राइट? लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीन गिवन? इफ यू सी दिस पिक्चर क्लियरली, सो ग्लूकोज ड्रिप इज कनेक्टेड विद हर आर्म बाय पुटिंग नीडल इनसाइड, राइट?
एंड बाय ड्रॉप दैट ग्लूकोज फ्रॉम बॉटल इट इज़ एंटरिंग टू नीतूज बॉडी. येस, सो दैट इज़ रिगार्डिंग योर नीतूज स्टोरी. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 3030 देर इज़ अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर ब्यूमॉन्ट. ओके, दैट इज अ स्टमक विद अ विंडो, बट वी विल नॉट कंटिन्यू टूडे. दिस होल स्टोरी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आई एम जस्ट गोइंग विद टू पेजेस एंड विद वेरी लिटल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लेसन्स, बिकॉज ज़्यादातर लेसन्स में क्वेश्चन आंसर्स ही हैं. So most of the lesson is a part of discussion based only. Okay? Thank you.